गाइस, गुड मॉर्निंग। सो अभी बज रहा है 7:30 और इस टाइम पे मैं बहुत बिजी रहती हूँ सुबह के, क्योंकि मेरे हस्बैंड सुबह सुबह निकल जाते हैं आजकल ऑफिस के लिए, जैसे आपको पता है। उसके लिए टिफिन मतलब लंच एंड ब्रेकफास्ट दोनों एक साथ बनाती हूँ। मेरा एक्चुअली मुझे 8:30 के अंदर जो है सारा कुछ बना लेना पड़ता है, क्योंकि बहुत गर्म चीज़ मैं नहीं दे सकती हूँ। उसके बाद जब लीड लगा देती हूँ ना तो वो ख़राब हो जाता है, तो थोड़ा सा पहले बना के खाने को थोड़ा सा हल्का सा फ़ैन के नीचे रख के ठंडा करके हल्का सा फिर मैं टिफ़िन बॉक्स में डालती हूँ। नहीं तो इतना धूप है ना, मतलब ख़राब हो जाएगा रास्ते में ही। ऑफिस में पहुँचेगा उसके बाद एसी है ना, उससे पहले ख़राब हो जाता है। तो थोड़ा बहुत प्रिपरेशन हो गया है। मैं सुबह को आज बना रही हूँ आलू पराठा और लंच के लिए अंडा करी, एक सब्ज़ी और राइस। ये देख रहे हो आप, ये मेरा अंडा जो है वो बॉयल हो गया है, ऑफ कर दिया है, बस अभी गर्म है, उसको छीलना बाकी है। आलू पराठे के लिए आलू मैंने बॉयल कर लिया है और राइस चढ़ा दिया है और मेरा आटा भी रेडी है। मैंने डो जो है वो रख दिया था कल रात को बचा के, तो डो अगर थोड़ा सा रह जाता है ना तो मैं आलू पराठा बना देती हूँ। बाकी काम कर लेते हैं फटाफट। अगर आप जानना चाहते हो कि मैंने आलू पराठे के स्टफिंग में क्या क्या डाला, आलू डाला, बॉइल्ड पोटैटो, अनियन डाला, ग्रीन चिली, धनिया पत्ता, थोड़ा सा रेड पेपर मतलब लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा भाजा मसाला मतलब भुना हुआ जीरा धनिया पाउडर डाल सकते हो, नमक डाला थोड़ा सा, और क्या डाला, थोड़ा सा काली मिर्च डाला, थोड़ा सा काला नमक डाला था और चाट मसाला डाला बस।
आलू पराठा जो मैं बनाती हूँ ना, वो एकदम इतना ज्यादा स्टफिंग देती हूँ ना, पूरा मतलब निकल जाता है। जैसे यू कैन सी, ऊपर से बटर डाला है थोड़ा सा, पूरा मतलब आलू निकल जाता है, बहुत अच्छा लगता है हम दोनों को ही। एक्चुअली हम दोनों को ज़्यादा फ्राइड चीज़ें पसंद आता है, जैसे आप देखते हो ना मैं फिश को बहुत ज़्यादा फ्राई करती हूँ, तो स्टफिंग पूरा निकल के एकदम मतलब वो भी फ्राई फ्राई हो जाता है, वो हमें ज़्यादा पसंद है। तो जब हम हमारे पसंद से बनाते हैं तो ऐसे ही बनाते हैं आलू पराठा। मेरा वाला भी हो गया, मेरे लिए एक बनाया, हस्बैंड के लिए दो बनाया, और हस्बैंड के ऊपर थोड़ा सा बटर डाल दिया था और मैं दही के साथ खाऊंगी। और हस्बैंड की जो लंच बॉक्स है ना, उसमें मैं प्लास्टिक में उसको राइस देती हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं है, अगर आप देते हो तो मत दिया करो। मेरा ग्लास वाला एक मैंने ऑर्डर किया था, कोयल कू, सो ग्लास वाला जो मेरा टिफ़िन था ना, वो थोड़ा सा भारी हो जाता है, और जो छोटा वाला मैं ग्लास का लेती हूँ राइस देने के लिए, तो छोटे वाले में एकदम भर के देती हूँ ना, तो उसको खाने में बहुत प्रॉब्लम होता है, थोड़ा सा स्पेस रहेगा ऐसा देख के मुझे टिफ़िन बॉक्स देना पड़ता है। तो ग्लास वाला मैं नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि बड़ा वाला ग्लास का बहुत भारी हो जाता है, तो मैं सोच रही हूँ एक स्टील का ले लूँ, क्योंकि स्टील में खट्टे चीज़ें खराब होता है पर राइस कुछ नहीं होता है। एक्चुअली मुझे कुछ ग्रॉसरी के लिए जाना है, मतलब ग्रॉसरी नहीं, क्या लेना है, मुझे सूजी और बेसन लेना है, उसके लिए जा रही हूँ। एक साथ जाऊँगी ना तो अच्छा लगता है, नहीं तो अकेला धूप में निकलने का मन नहीं होता है। छाता आने नहीं है, किधर से वाशी दुकान कैसा था? बहुत अच्छा था। बटर फटर लगा के अच्छा था, लग गया ही ना, बहुत ज़्यादा हो गया ना। तुम्हें दूटो खाबा ना, तुम्हें आजकल एकदम खाओ ना गड़ों में। बहुत अच्छा होता है जब सुबह सुबह हस्बैंड निकल जाते हैं ना, तो मतलब प्रॉब्लम होता है कि सुबह उठ के सब बनाओ, ब्रेकफास्ट बनाओ, लंच बनाओ, पर अच्छी चीज़ ये है कि देखो अभी 9:30 बज रहा है, ब्रेकफास्ट भी हो गया है, खाना भी खा लिया है मैंने, मतलब ब्रेकफास्ट कर लिया है, सब काम भी हो गया है, लंच भी बनाना हो गया है, अभी बस शांति ही शांति। पर क्या है कि मैं क्या करती हूँ, मैं आज जो है मतलब एवरी डे को एक सब्जी बना के रखती हूँ, क्योंकि सुबह उठ के मैं जनरली मेरे हस्बैंड को दो सब्जी या दाल और सब्जी, या तो सब्जी और एक नॉनवेज आइटम ऐसे ही देती हूँ जनरली। तो क्या होता है कि एक करी वगैरह, जैसे आज अंडा करी बनाया, राइस और ब्रेकफास्ट, ये तीन चीज़ें मैं सुबह उठ के बनाती हूँ। सब्जी जो है वो पहले ही बना के रख देती हूँ, क्योंकि क्या होता है सुबह उठ के ना, जैसे आपने देखा कि 8:30 बजे के अंदर मुझे सारा खाना तैयार करना पड़ता है, तो 8:30 के अंदर अगर सब पूरा मैं बनाने बैठूँ ना तो देर हो जाता है, और मेरे हस्बैंड बहुत खिच करता है कि अरे कितना खाना बना रही हो, कितना सब्जी छोड़ दो, तो मतलब वैसे ही उसको सब्जी तो खाना पसंद है नहीं, पंखा ऑन नहीं है, ओहो, तो वैसे तो उसको सब्जी खाना पसंद नहीं है, और ऊपर से ऐसे बोलते हैं कि नहीं 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 छोड़ दो, बस करी और राइस दे दो मैं खा लूँगा। तो सब्जी मैं आज को बना के रखती हूँ, तो अच्छा होता है मेरे लिए भी, और इतना काम का प्रेशर भी नहीं रहता है। और एक चीज़ क्या है, सब्जी वगैरह जो है ना, वो एकदम गर्म अगर आप टिफ़िन बॉक्स में डाल के उसको क्लोज करके एकदम डब्बे को बैग के अंदर डाल देते हो ना, तो सब्ज़ी ना थोड़ा सा कैसा हो जाता है, मतलब कैसा है, मतलब पूरा गर्म रहता है ना, तो ठंडा भी नहीं होता है, तो इसीलिए सब्जी कुछ ऑप्शन नहीं है, बनाना ही पड़ता है। ये आप देख रहे हो ना, ये जो बकेट है, इसमें कलर करने के टाइम पे ये सारे बकेट जो है वो यूज़ हुआ था, तो इसमें मैं पानी भर के रख दिया है। आप एक दिन या दो दिन ऐसे इस बकेट में, जिन बकेट में ऐसे कलर लगे हुए रहते हैं, इसमें पानी भर के रख दीजिए, तो आप देखेंगे इसका जो कलर है ना, वो बहुत आसानी से उठ जाएगा। मैंने सुबह देखो
ये बहुत आसानी से उड़ जाता है, फिर आप इस बकेट को यूज कर सकते हो। सो अभी मैं कर रही थी एडिटिंग, नहा के आ गई हूँ, और चलिए मैं लंच दिखाती हूँ आपको। एक करी और इसके साथ हरी मिर्च और रायता, रायता में मैं ओनली दही है, नमक है और ब्लैक पेपर पाउडर। ये थोड़ की सब्जी, मतलब बनाना स्टीम की सब्जी, क्यूकम्बर और लेमन जो मुझे बहुत पसंद है, और राइस। बहुत देर बाद फिर से बात कर रही हूँ, मतलब ब्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ। तो ऑनलाइन से मैंने दो जूते ऑर्डर किया था, तो वो आ गए हैं। मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे आए हैं। मेरे पास एक्चुअली जूते बहुत कम हो गए थे, और मतलब मैं एक ही, मेरा जो ऑलमोस्ट एक दो जूते रह गए थे, क्योंकि मैं जनरली जो है कोलकाता न्यू मार्केट सीयर से जूते लेती हूँ, पर इस बार जब गई थी मेरे हस्बैंड का तबीयत बहुत खराब था, तो इसीलिए हम जा नहीं पाए थे। पर उसीलिए हम इस बार मैं लेके नहीं आई थी, और इधर पे ना मेरा बहुत सारा जूता जो है वो खराब हो गया था। शादी के टाइम पे मैं 4-5 सेट लेके आई थी, जिसमें से सारे के सारे खत्म हो गए थे, तो अभी एक ही फिलहाल बचा हुआ है, तो उससे काम चला रही हूँ फिलहाल के लिए। इसीलिए मैंने दो जूते ऑर्डर किया है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये कैसा लग रहा है। सो ये जो है ना, ये जयपुरी काइंड ऑफ जो जूते मिलते हैं ना, वैसा है। और इसमें सुन सकते हो आप, एक आवाज आ रही है ना, जिंग 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 जिंग, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सलवार सूट लाइक पटियाला और जीन्स के साथ भी आजकल ऐसे जूते जो है बहुत प्रीटी लगता है। और ये जो जूता होता है ना, इसका एक चीज है कि आप मतलब कोई भी पैर में पहन सकते हो, ऐसा नहीं है कि जैसे ये वाले शूज में होता है ना कि ये वाला इस पैर का, वो वाला उस पैर का, पर ये जूते में आप कोई भी पैर में कोई भी पहन सकते हो, दोनों एक ही जैसा ही होगा। बहुत प्रीटी है ये, व्हाइट के अंदर ऑरेंज, व्हाइट, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, पिंक, मल्टी कलर है, बहुत सुंदर है। और इसका प्राइस अप्रोक्सीमेटली 200 था, और ये जो है ये मुझे बहुत पसंद आया था। ये डार्क रानी फुशिया कलर में है, तो मैंने सोचा था कि ये रेड आएगा, पर रेड नहीं आया है। पर आप जितना इसको डार्क पिंक देख रहे हो, डार्क रानी देख रहे हो, उतना भी रानी नहीं है ये, थोड़ा सा और ज्यादा मेरून रेड काइंड ऑफ है। और ये अप्रोक्सीमेटली 300 का है, और ऊपर जो एक बो है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। सो अगर आप साइज जानना चाहते हो तो मैं सबसे छोटा वाला साइज है मेरा पैर का, साइज नंबर 3। कभी कभी तो उससे भी अगर छोटा होता है तो मेरे साइज में अच्छे से आता है, पर ये दो ही जो मैंने जूते लिए थे ये एप्रोप्रिएट हो गया है मेरे पैर के हिसाब से। तो इसका साइज है 36, और ये जो साइज है ये भी 3 साइज का ही है। तो एक्चुअली डिपेंड करता है, 3, 4, 5 ऐसे करके भी रहता है, और 36, 38 ऐसे करके भी रहते हैं। अगर आप अपने पैर का एक हिसाब लेके ऑर्डर कर सकते हो, थोड़ा सा देख लो पहले लेके, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जूता बड़ा आया है ये छोटा आया है, तो आप उसको एक्सचेंज कर सकते हो। अगर एक साइज ज्यादा लग रहा है, एक साइज कम लग रहा है, ऐसे हिसाब से। बहुत सारे लोग ऑनलाइन से जूते खरीदने में डरते हैं कि ओ माय गॉड अगर बुरा आया तो क्या होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, मैंने पहले भी लिया है, सो इट्स ओके। और हाँ, कौन सा वाला ज्यादा पसंद आया है मैं और एक बार अच्छे से दिखाती हूँ, सब बोलना कौन सा वाला ज्यादा अच्छा है। ये वाला दोनों एक्चुअली डिफरेंट है, मुझे ज्यादा पसंद आया था ये, और मेरे हस्बैंड के ये पसंद नहीं आया है, ये अच्छा लगा है। ढोकला मैंने काट के रखा है, तो जस्ट इसके ऊपर ये ढक्कन के जैसे लगा के रखा है, तो इसके ऊपर अभी मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी। शेयर कर चुकी हूँ, आपको पता है ना, अगर आपने नहीं देखा है, अगर आप मिस कर गए हैं, तो ढोकला रेसिपी बाय ग्लैम विथ मी आप सर्च कर सकते हो, उसमें मैंने दिखाया था।
और मैंने जो पानी डाला ना इसमें मैंने क्या डाला था, थोड़ा सा राई, पहले ऑयल में थोड़ा सा राई डाला, कड़ी पत्ता और हरी मिर्च डाला, और इमली का पल्प, चीनी और थोड़ा सा नमक, बस इसको थोड़ा सा एक मिनट तक उबाला, फिर वो पानी को डाल दिया है। और ढोकला में मैं क्या क्या डालती हूँ शॉर्टली बता देती हूँ। मैं एक कप बेसन लेती हूँ, 2 चम्मच सूजी लेती हूँ, उसके अंदर मैं 1 नींबू का रस डालती हूँ, 1/2 इंच अदरक और 1 हरी मिर्च को पीस के डालती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा नमक और चीनी डालती हूँ, और उसके अंदर मैं गर्म पानी डालती हूँ। गर्म पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। गर्म पानी डाल के आप ऐसे ऐसे से पहले कर लो, उसके बाद इनो डालो। इनो डाल के एकदम तुरंत मिला के जिसमें आप बनाने वाले, जैसे मैं टिफिन करियर में कढ़ाई में या तो राइस कुकर में डाल देती हूँ पानी चढ़ा के, ढक्कन लगा के, और टिफिन बॉक्स के अंदर ये रहता है, 20 मिनट में ये ऑलमोस्ट तैयार हो जाता है। और ये काफ़ी फूला है, आप देखो काफ़ी स्पंजी बना है। कॉफ़ी लेके बैल्कनी में बैठना बहुत अच्छा लगता है मुझे। कॉफ़ी मैं तो चाय नहीं पीती हूँ, जैसे आपको पता है, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही नहीं पीते हैं, पर मुझे कॉफ़ी अच्छा लगता है। पर मुझे कोल्ड कॉफ़ी ज़्यादा पसंद है, पर मेरा लक ख़राब है क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं खाते हैं, पीते हैं तो नहीं होता है। कभी बाहर भी जाते हैं ना तो भी नहीं होता है क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता है ना। सो इसी टाइम पे ना मत कुछ पीते पीते मस्त लगता है एकदम पूरा, एकदम बाहर का नज़ारा देखो सुंदर से, बैल्कनी में बैठे रहो, और बैल्कनी में ऐसे रॉड्स रहते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो पूरा ऐसे ईंटों का पूरा अगर रहता है ना तो फिर ऐसे ग्रीनरी नहीं आता है ना, ऐसे ही अच्छा लगता है ना बैल्कनी। और देख रहे हो ना मेरा जो छोटे छोटे प्लांट्स थे वो इतना छोटा बन गया है इस घर में। उस घर में तो ये ठीक ठाक थे, पर इस घर में आके ना ये छोटा हो गया है बहुत साइज में। सो आप में से बहुत सारे लोग मुझे बोलते हो ये कि हम ये मैंने ना लाने के बाद वो ऐसे टाई करके रखा था, खोली हूँ। सो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हो कि आप कब सजाओगे बैल्कनी को, तो बैल्कनी को सजाने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि मैं प्लांट्स खरीदने वाली हूँ और मुझे लगता है कि बरसात अभी आने ही वाला है, प्रॉपरली अच्छे से बारिश स्टार्ट हो जाए उस टाइम पे मैं प्लांट्स खरीदूँगी। क्योंकि उस टाइम पे अगर आप प्लांट्स खरीदते हो ना तो वो अच्छा रहता है, मतलब नहीं तो इतना ज़्यादा अभी टेम्परेचर है तो आप कोई भी प्लांट्स रखते हो ना तो वो ख़राब हो जाता है, मतलब वो 2 दिन में ऐसे हो जाता है। जैसे हम लोग भी ऐसे हो रहा है, एक ऐड आता है ना कि सूरज पूरा एकदम ऐसे पाइप लगा के और ऐसा करके पूरा अंदर से पूरा सब कुछ ले रहा है, वैसे हम लोग ऐसे बन रहे हैं। तो पेड़ पौधों का भी वैसा ही होता है, फिर भी ये सारे पेड़ पौधे बहुत स्ट्रांग हैं। आप देखो गर्मी में ऐसे हिल गया है पर अभी भी ग्रीन है, मतलब अच्छा है ना। उन लोगों को ना मतलब मिट्टी के अंदर से पानी मिलता है, हमको तो नहीं मिलता ना, क्योंकि मिट्टी के अंदर का पानी जो है ठंडा रहता है। जैसे अगर आप पंप को चलाने के तुरंत बाद नहाते हो ठंडा पानी रहता है, तो पेड़ पौधों का वो एक नेचुरल पंप रहता है ना, नीचे से आता है क्या क्या बोल रही हूँ मैं, अजीब अजीब चीज़ें। सो कीप ऑन वॉचिंग गाइस, आज का ब्लॉग मैं शाम के टाइम पे एंड कर रही हूँ, ऐसा मैं जनरली नहीं करती हूँ, पर ठीक है आज एंड कर देती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम है घर का, और मुझे बहुत सारे लोगों को फ़ोन करना है, पता है मैं मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स रहते हैं, बहुत सारे दोस्त हैं जिनको फ़ोन करने की मतलब मेरा इच्छा रहता है पर टाइम नहीं मिलता है, पर आज थोड़ा सा टाइम मिल रहा है कि उन लोगों को मैं फ़ोन करूँ, तो उन लोगों को कॉल किया जाता है और ब्लॉग के जरिए एंड किया जाता है। अगर पसंद आया है लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। मेरा अभी रूटीन जो है वो चेंज हो रहा है, पहले जैसा था वैसा एकदम ही नहीं है। नए घर में आके थोड़ा बहुत तो चेंज हुआ ही था, पर अभी रूटीन जो है वो एकदम चेंज हो गया है, पर मुझे ये वाला रूटीन ही पसंद है। ओके, बाय बाय।